अफगानिस्तान ते तालिबान दे कब्जे दे बाद इत्थे पैदा होए संकट विच अमेरिका दे राष्ट्रपति जो बाइडन ने युद्धग्रस्त देश नाल अपने सैनिकां दी वापसी दे कदम नूं सही दसदे हुए कहा कि इतिहास विच इह कदम उचित फैसले दे रूप विच दर्ज कीता जाएगा। अफगानिस्तान तो अमेरिकी बलों की वापसी के फैसले के कारण बाइडन प्रशासन की आलोचना हो रही क्योंकि सैनिकों के वापस आने के कारण तालिबान ने अफगानिस्तान से कब्जा कर लिया जिसके कारण देश में अराजकता फैल गई है। बाइडन ने व्हाइट हाउस में पत्रकारों को कहा कि मैं लगता है कि इतिहास के पन्नों में इस फैसले को तर्कशील और उचित फैसले के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस तो पहले भारतीय मूल की अमेरिकी नेता निकी हेली ने अमेरिकी सरकार की निंदा करते हुए कहा कि अमेरिका ने तालिबान के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिता और अफगानिस्तान में अपने सहयोगियों को छोड़ दिया। हेली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वह तालिबान नाल वार्ता नहीं कर रहे। उन्होंने तालिबान के सामने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिता। उन्होंने बगराम हवाई फौज अड्डे को सौंप दिता जो नाटो का वड्डा केंद्र सी। उन्होंने 85 अरब डॉलर के उपकरण और हथियार भी सौंप दिते। उन्होंने कहा कि अमेरिकी लोगों का समर्पण कर दिता और उन्होंने अमेरिकी लोगों की वापसी तो पहला अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया। उन्होंने विदेशों तैनात मेरे पत्नी वर्गे लोगों सुरक्षित रखने वाले अफगान साथियों छोड़ दिता।